अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उज़ैर अहमद फ्रॉम द नर्ड मैग एंड वेलकम टू नोवा 7i रिव्यू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड कोरोना से बचने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। नोवा 7i पाकिस्तान में हवावे का सेकंड फ़ोन है जिसमें गूगल सर्विसेज इंस्टॉल्ड नहीं है। लेकिन क्या ये फ़ोन अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है और क्या आप इस फ़ोन को अपने डेली इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये सब जानिए इस रिव्यू में। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। आप सबके लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ है, अनबॉक्सिंग वीडियो में नोवा 7i का गिव अवे अनाउंस किया था, तो इसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है तो रूल्स बहुत सिंपल हैं और आप इस वीडियो के एंड पे वो जान सकते हैं। नोवा 7i को हवावे ने रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च किया है काफ़ी अमेजिंग प्राइस पॉइंट पर और काफ़ी पावरफुल स्पेक्स के साथ। लेकिन इस फ़ोन में गूगल सर्विसेज नहीं है, जिसका मतलब यह है कि आप इस फ़ोन को नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स की तरह क्विकली सेटअप नहीं कर सकते। अगर आप हवावे नोवा 7i ख़रीदते हैं तो ये चीज़ें हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए, और सेकेंडली इस फ़ोन में अपनी फेवरेट ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है उसका भी। नोवा 7i की प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन 44,000 रुपीज़ का पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। इसका एक ही मॉडल अवेलेबल है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ, और ये मॉडल तीन कलर्स में अवेलेबल है, क्रश ग्रीन जो कि हमारा रिव्यू यूनिट है, मिडनाइट ब्लैक एंड सकुरा पिंक। हवावे की नोवा सीरीज शुरू से ही कैमरा एंड डिज़ाइन फोकस्ड रही हैं, लेकिन इस बार हवावे ने स्पेक्स के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये फ़ोन ऑनलाइन एंड लोकल मार्केट्स दोनों में अवेलेबल है परचेज के लिए। डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। नोवा 7i प्लास्टिक बिल्ड में आता है। फ्रंट पर नोवा 7i की ग्लास है एंड बैक पर प्लास्टिक। ओवरऑल फ्रेम भी प्लास्टिक का बना हुआ है, जिसकी वजह से फ़ोन काफ़ी लाइटवेट है एंड सॉलिड बिल्ड का लग रहा है। बैक इसकी प्लास्टिक की है, लेकिन इसके बावजूद ये काफ़ी शाइनी है और बहुत अच्छा लग रहा है। बैक पर इजीली फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये फ़ोन बार बार साफ़ करना पड़ेगा। फ्रंट पर हमारे पास सिंगल सेल्फी कैमरा है इन कटआउट होल, और बेजल्स भी काफ़ी पतले हैं। अगर हम बैक की बात करें तो हमारे पास 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है स्क्वायर शेप का, देन एलईडी लाइट्स, और बिल्कुल एंड पर हमारे पास थोड़ी सी हवावे की ब्रांडिंग है। पर्सनली तौर पर मुझे इसकी बैक काफ़ी पसंद आई है, अगर ये बिल्ड ग्लास की होती तो काफ़ी बेहतर होता। साइड पर हमारे पास वॉल्यूम बटन्स हैं एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी फास्ट है और इसमें मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बॉटम पर हमारे पास USB टाइप सी, हेडफोन जैक एंड स्पीकर ग्रिल है, नथिंग न्यू ओवर देयर। ओवरऑल हवावे ने इस बार नोवा 7i के डिज़ाइन के साथ काफ़ी सेफ खेला है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की है। नेक्स्ट, अब हम अगर डिस्प्ले की बात करें, नोवा 7i में 1080p फुल HD IPS LCD पैनल है, और फ़ोन के टॉप पर हमारे पास सेल्फी कैमरा है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, कभी भी मुझे हवावे के फ़ोन्स में डिस्प्ले का इशू नहीं हुआ। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप फ़ोन को डायरेक्ट सनलाइट में इस्तेमाल करते हैं तो ये इजीली यूजेबल है। ऑब्वियसली थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। वॉचिंग मूवीज़ एंड प्लेइंग गेम्स ऑन द डिस्प्ले इज़ क्वाइट फन। हवावे ने इस बार नोवा 7i में डार्क मोड भी इंक्लूड किया है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस LCD पैनल के साथ, लेकिन आपकी बैटरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम स्पेक्स की बात करें तो 44,000 रुपीज़ में नोवा 7i काफ़ी अच्छा चिपसेट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इस फ़ोन में गूगल सर्विसेज नहीं है, तो आई थिंक प्राइस थोड़ी फर्दर कम होनी चाहिए थी इस फ़ोन की। नोवा 7i में आपको किरण 810 का चिपसेट मिल रहा है विद 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। ये कन्फिग्रेशन इस फ़ोन की स्टैंडर्ड है। इस डिपार्टमेंट में मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। नोवा 7i के कंप्लीट स्पेक्स ये हैं: किरण 810 का चिपसेट, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 4200 mAh बैटरी, 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 1080p डिस्प्ले। परफॉर्मेंस के लिहाज से नोवा 7i बीस्ट है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। नॉर्मल एप्स एंड गेम्स ईजिली चल जाती है विदाउट एनी इशूज़। बेंचमार्क्स में नोवा 7i अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंटूटू की बात करें तो 3 लाख के करीब स्कोर है, और अगर हम गीक बेंच की बात करें तो सिंगल कोर स्कोर 586 है, जबकि मल्टी कोर स्कोर 1886 है। 8GB रैम की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ऐप्स एक टाइम पर यूज़ कर सकते हैं और फ़ोन स्लो बिल्कुल नहीं होगा। UFS 2.1 स्टोरेज इस पर इंक्लूड की गई है, जो कि लोडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है।
देन लास्ट पर हमारे पास 40 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग है जो कि फोन 70% सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर चार्ज कर देती है। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। ओवरऑल नोवा 7i काफ़ी अच्छा फ़ोन है और हार्डवेयर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिहाज से कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद ऑब्वियस थिंग्स फर्स्ट। नोवा 7i में एंड्रॉयड 10 है जिसके ऊपर हवावे की अपनी कस्टम स्किन है EMUI 10, लेकिन इसमें कोई भी गूगल सर्विसेज आपको नहीं मिलेगी। नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स में आप जब भी फ़ोन को पहली दफ़ा ऑन करते हैं तो आपको गूगल अकाउंट लॉगिन करने को कहते हैं और उसकी वजह से आपका सारा गूगल अकाउंट का डेटा ऑटोमेटिकली न्यू फ़ोन में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन नोवा 7i में आपको हवावे का अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा अगर आपने हवावे की सर्विसेज यूज़ करनी है और हवावे का अपना जो ऐप स्टोर है, ऐप गैलरी, वो इस्तेमाल करनी है। आप अपने पुराने फ़ोन का डेटा इस फ़ोन में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो डेटा जो कि आपके गूगल अकाउंट के साथ लिंक्ड है और उसमें पड़ा हुआ है, वो इधर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसी तरह इस फ़ोन पर आप कुछ एंड्रॉयड ऐप्स नहीं इंस्टॉल कर सकते क्योंकि उनको गूगल अकाउंट या गूगल सर्विसेज की ज़रूरत होती है और वो इस फ़ोन में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बैंकिंग ऐप्स, सिक्योरिटी ऐप्स और कुछ गेम्स। हवावे ऐप गैलरी काफ़ी न्यू ऐप स्टोर है और आप वहां से कुछ ऐप्स एंड गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ उधर ऐप्स नहीं मिलेंगी सच एज़ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह। क्यों? क्योंकि ये अभी स्टोर नया है और इस पर काफ़ी ज़्यादा ऐप्स को आने में टाइम लगेगा। तो जो ऐप्स हवावे के ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, आप उनकी APK डिफरेंट सोर्सेज से डाउनलोड करके इस फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ओवरऑल सॉफ्टवेयर इज़ वेरी ऑप्टिमाइज्ड एंड क्लीन। EMUI काफ़ी मेच्योर हो गया है और हवावे ने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स भी की हैं इसमें, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ इस फ़ोन की बहुत ज़्यादा अच्छी है और नॉर्मल डे टू डे यूजेज में कोई इशू नहीं आता। अगर गूगल वाला इशू ना हो तो ये फ़ोन टोटल बीस्ट है इस प्राइस रेंज में। हवावे रेगुलर फीचर्स और इम्प्रूवमेंट अपडेट्स तो निकाल रहा है, लेकिन इस फ़ोन में अभी तक एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अप्रैल का है और फॉर सम रीज़न आप कैमरे में 4K की वीडियो नहीं बना सकते। आई होप कि हवावे एक अपडेट निकाले फ्यूचर में जिसके थ्रू आप इसमें 4K की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप हवावे फ़ैन हैं एंड यूज़र रहे हैं पिछली नोवा सीरीज़ के, तो आपको आइडिया होगा कि नोवा सीरीज़ शुरू से ही एक एक्सीलेंट कैमरा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। इस बार नोवा 7i में 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है बैक पर और 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा फ्रंट पर। बैक पर हमारे पास 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, फिर हमारे पास 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, फिर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और लास्ट पे हमारे पास 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। फोटोज़ में नॉर्मली कोई इशू नहीं आता, अगर आप इनफ लाइट के अंदर पिक्चर्स ले रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है, लेकिन मेरी शुरू से ही हवावे से कंप्लेन रही है कि उसकी जो कैमरा ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा मीडियोकर है, उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने HDR फ़ोटो लेनी है तो उसके लिए एक सेपरेट मोड है जो कि आपको जाके ऑन करना पड़ता है। अगर हवावे अपनी कैमरा ऐप को इम्प्रूव कर ले तो आई थिंक ओवरऑल जो कैमरा एक्सपीरियंस है नोवा 7i का वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सेकेंडली अगर आप 48 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन की तस्वीर लेना चाह रहे हैं तो आप उसमें जूम या अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन शुक्र है इस बार हवावे ने ये अलाउ कर दिया है कि अगर आप 48 मेगापिक्सल के मोड के अंदर हैं और आप अगर जूम करते हैं या जूम आउट करते हैं तो कैमरा ऑटोमेटिकली 12 मेगापिक्सल के मोड में स्विच हो जाता है। ऑल्सो फॉर सम रीज़न नोवा 7i 1080p 30fps तक की वीडियो बना सकता है फ्रंट और बैक से। हार्डवेयर वाइज नोवा 7i काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फ़ोन है और ये इजीली 4K हैंडल कर सकता है। आई डोंट नो वाई कि हवावे ने शुरू से ही इस फ़ोन पे 4K की ऑप्शन अलाउ नहीं की। आई होप हवावे अपडेट के थ्रू ये इशू सॉल्व कर दें और आपको 4K में वीडियो रिकॉर्ड करने की ऑप्शन दे दें। नोवा 7i के गिव अवे में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो रूल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। गिव अवे का विनर जुलाई 1, 2020 को अनाउंस होगा और इसको विन करने के लिए आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे। नंबर 1, आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे द नर्ड मैक को फॉलो करना होगा, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नंबर 2, आप अपने दोस्तों को टैग करें और इस वीडियो को शेयर करें। नंबर 3, इंस्टाग्राम पर स्टोरी में आप हमें टैग करें और आप जितनी क्रिएटिव स्टोरी बनाएंगे उतने ज़्यादा आपके फेवर में चांसेस होंगे। लास्ट पे ये गिव अवे सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। दैट्स इट। अगर आप 44,000 रुपीज़ का फ़ोन फ्री में जीतना चाहते हैं तो बस आपने द नर्ड मैक को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करना है और अपने दोस्तों को टैग करना है।
July 1st, 2020 को 9 बजे मैं विनर अनाउंस करूंगा। गुड लक एवरीवन, थैंक यू। रिव्यू को ख़त्म करते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि नोवा 7i काफ़ी अच्छा फ़ोन है, लेकिन अगर इसमें ये गूगल इशू ना होता तो ये इजीली हर किसी को मैं रिकमेंड करता। अगर आपको गूगल सर्विसेज ना होने का इशू नहीं है तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक बजट फ़ोन है जो कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और एक अमेजिंग हार्डवेयर के साथ आ रहा है। मैं जल्द ही नोवा 7i और रेडमी नोट 9 प्रो का कंपैरिजन करूंगा, तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमें सब्सक्राइब करें, इसे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी वो अपलोड होगी। अगर आपको रिव्यू ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप नोवा 7i के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू।